गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान में वंशानुक्रम को पढ़ेंगे। वंशानुक्रम क्या है? हम अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पैटर्नल मैटर्नल पेरेंट्स से मैच होते हैं, तो ये जो मैचिंग है, ये जो इतने गुण उनके स्थानांतरण हुए हैं हमारे अंदर, ये सब वंशक्रम में आता है, हेरिडिटी में आता है। हेरिडिटी को सबसे पहले जो जानने वाले थे उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। शुरू करते हैं कि ये कैसे क्या होता है। जैसे हमारे पास, हम मान लेते हैं सबसे पहले मदर पेरेंट और एक है फादर पेरेंट। मदर पेरेंट के पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं और फादर पेरेंट के पास में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। एक कंडीशन ऐसी हुई कि मदर से एक्स और फादर से भी एक्स जो है वो क्रोमोसोम्स मिला फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, तो एक गर्ल चाइल्ड जो है वो पैदा होगा, एक गर्ल चाइल्ड हुआ। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मदर से एक्स और फादर से वाई मिलता है, तो एक्स वाई हुआ, तो बॉय चाइल्ड जो है वो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्रोमोसोम्स क्या है। एक सेल है हमारे पास, उस सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये डेवलपमेंट के बाद क्रोमोसोम्स बनाता है। अब ये क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं 23 pairs। 23 pairs यानी हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। अब ये 46 हैं, इन 46 में से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब जो सबके अंदर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो 23rd दो पेयर है वो क्या है, वो क्या है, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स है ये 23rd जो पेयर है वो डिफाइन करता है कि सेक्स क्या होगा। और ये वाला ये है एक्स एक्स है और एक्स वाई है, ये पेयर बनेगा, तो 23rd हो गया। अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हेरिडिटी करते हैं और इनके लिए जो फंक्शनल यूनिट है वो होते हैं जीन। तो सबसे लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जीन वो यूनिट है जो वंशक्रम को बढ़ाता है, वंशक्रम को आगे बढ़ाता है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, लेकिन ट्रांसजेंडर भी तो होते हैं, वो ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसमें क्या कंडीशन होती है कि मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के फादर के यदि एक सिंगल एक्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो ट्रिपल एक्स बन जाता है। तो इस ट्रिपल एक्स को हम कहेंगे फीमेल ट्रांसजेंडर। ये फीमेल ट्रांसजेंडर है जो होगा। उसके बाद में यदि डबल एक्स, मदर के डबल एक्स के साथ में फादर का वाई मिल जाता है तो क्या होगा, डबल एक्स वाई हो जाता है। तो डबल एक्स वाई को हम बोलते हैं मेल ट्रांसजेंडर। तो ये मेल ट्रांसजेंडर हो गया। तो इस तरह से वंशक्रम जो है वो बढ़ता है। लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर में भी दो फॉर्म होंगे, लड़का या लड़की, इसी तरह से। तो ये था वंशक्रम जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सब ग्रेगर जॉन मेंडल का बताया हुआ है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हेरिडिटी। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।